हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन वस्के। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक पुणे। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ हेयर केयर हैबिट्स जो हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और विंटर में हम हमारे हेयर का कैसे ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले, जब भी एनवायरनमेंट में एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम हॉट है, तो हमारे हेयर उसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो विंटर में देखा जाए तो बाहर एकदम कोल्ड एनवायरनमेंट रहता है और हम फिर घर में एसी लगाते हैं, उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर हम घर में एसी के साथ हीटर भी लगाते हैं, जिसके कारण रूम का टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है। तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के कारण हमारे हेयर ड्राई होने लगते हैं और उसमें फिर डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कभी भी हम बाहर से घर पे आए तो हमारे टेम्परेचर का हमें ख्याल रखना होगा कि वो ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो और उसको अच्छे से मेंटेन रख सके। अभी विंटर में हम जब भी बात करते हैं तो हमें लगता है कि एकदम हॉट पानी हमें यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण हम स्टीम बाथ लेते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टीम बाथ लेते हैं। हमें अच्छा लगता है कि उतना ड्यूरेशन से हम स्टीम बाथ लेते हैं तो एकदम फील एंड गुड होता है। लेकिन उसके वजह से क्या होता है कि जब भी हम एकदम हॉट पानी यूज़ करते हैं, उसके कारण हमारी स्किन भी ड्राई होने लगती है और हमारा हेयर भी डैमेज होने के चांसेस उसमें बढ़ सकते हैं। तो जब भी हमें हेड वॉश लेते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो हमें पानी जो है एकदम ल्यूक वार्म वाटर लेना चाहिए, नो कि एकदम स्टीमी बाथ हमें अवॉइड करना चाहिए। विंटर में जब भी हम शैम्पू करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा तो शैम्पू एकदम केमिकल फ्री हो। ब्रांड शैम्पू हमें यूज़ करना चाहिए, कम से कम केमिकल वाला शैम्पू हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारे हेयर ड्राई होते हैं, उसमें हम केमिकल ट्रीटेड शैम्पू यूज़ करेंगे तो और हमारे हेयर डैमेज हो सकते हैं। हेयर डैमेज होने के बाद उसमें स्प्लिट हेयर बढ़ना की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एवरी शैम्पू होने के बाद हमें कम से कम एक बार तो भी कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। शैम्पू करने के बाद अगर हम कंडीशनर यूज़ करते हैं तो हमारे हेयर अच्छे से मेंटेन रह सकते हैं। हमें विंटर में ट्राई करना चाहिए कि हमें लीव ऑन कंडीशनर भी यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण लॉन्ग लास्टिंग हमारे हेयर जो है अच्छे से मॉइस्चराइजर उसमें मेंटेन रख सकते हैं। बालों को जब भी हम धोते हैं तो उसको तुरंत एयर ड्राई मत कीजिए और टेम्परेचर कम से कम रखिए। उसी के साथ हम टॉवेल में डैम करके जब हम उसको ड्राई करते हैं तो बेहतर होगा, और एनवायरनमेंट जाने से पहले या बाहर जाने से पहले बालों को अच्छे से ड्राई कीजिए, उसके बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। विंटर के समय में हमें जो भी हम हेयर के लिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग है, हेयर कर्लिंग है, उसे हमें कम से कम करना चाहिए और मिनिमाइज़ करना चाहिए, जिसके कारण जो हेयर में डैमेज होना वाला है वो कम होगा और हमारे बाल अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। अगर आपके बाल सिल्की है, स्ट्रेट है, तो आपको जब भी हम बाल हैं धोने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई करना चाहिए और उसके बाद ही कोम करना चाहिए, और वाइट टूथ कोम हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आपके बाल थोड़े कर्ली है तो आपको थोड़ा सा बाल जब है वो वेट रहते हैं उस टाइम पे हमें कोम करना चाहिए, जिसके कारण जो भी टैंगल्स है वो ईजिली रिमूव हो सके और हम ये अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। हम बालों के ऊपर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण हम फ्रिजीनेस है और ड्राइनेस है वो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हमें कोकोनट ऑयल बालों की जड़ों के ऊपर लगाना अवॉइड करना है और बस लंबे बालों के ऊपर ही कोकोनट ऑयल लगाना है। कोकोनट ऑयल के साथ लीवन कंडीशनर यूज़ करें, जिसके कारण हम हमारे बालों का मॉइस्चर अच्छे से मेंटेन रख सके और उसमें भी ह्यूमिडिटी अच्छे से मेंटेन रख सके। इसी के साथ जब भी हम बाहर निकलते हैं, एनवायरनमेंट में जाते हैं, तब हम कैप वगैरह पहनते हैं। जब भी कैप पहनते हैं तो वहाँ स्वेटिंग बढ़ सकता है, स्वेटिंग बढ़ने के बाद वहाँ का टेम्परेचर बढ़ सकता है, और वही अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए, बाहर कोल्ड है, हमारा स्वेटिंग के कारण हमारे बालों का टेम्परेचर बढ़ने लगे, उसके कारण भी बाल फिर ड्राई हो सकते हैं। तो स्वेटिंग अवॉइड कीजिए और कम से कम बालों को अच्छे से एयर में मेंटेन रखिए, उनको भी थोड़ा सा एरिएशन रखे तो वो बाल अच्छे से मेंटेन रह सकते हैं। विंटर में फिर अच्छे से डाइट अगर आप अच्छे फॉलो करें, जैसे कि स्प्राउट्स है, प्रोटीन रिच डाइट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, तो अगर ये डाइट हम अच्छे से मेंटेन करेंगे तो ये आपके बालों के जड़ों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा। ये सब टिप्स फॉलो करके भी आपको लग रहा है कि मुझे बाल में थिनिंग है, कुछ मेरे हेयर फ्रिजी है, तो आपको कुछ ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना होगा और आपके बालों के अनुसार आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो ये थे कुछ विंटर केयर हेयर केयर टिप्स जो आपको अच्छे से फॉलो करने के साथ आपके बालों को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आपको बालों के रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।